हाय गाइस, मैं हूं निखिल और ये है ललन टॉप का न्यूज रूम। गूगल हमारा डॉक्टर, टीचर, मोटिवेशनल गुरु, साइकेट्रिस्ट और पता नहीं क्या क्या। गूगल हमारे लिए सिक्स सेंस की तरह से काम करने लगा है। मतलब जो हमारी पांच सेंसेस मिलके हमें नहीं बता पाती हैं, वो सवाल हम गूगल से पूछा करते हैं। लेकिन इस दुनिया में फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गूगल से नहीं पूछनी चाहिए। वो क्या है वो इस वीडियो में देखिए। तो भाइयों बहनों, पहला सबक ये कि गूगल पे किसी भी चीज़ के साथ, खासकर खाने की चीज़ के साथ, कैंसर लगा के सर्च मत करना। क्योंकि गूगल के हिसाब से कैंसर इससे तो हो ही सकता है, उससे भी हो सकता है। उसमें कॉफ़ी है तो मैं नहीं पीऊँगा। दिक्कत यह है कि गूगल के हिसाब से दुनिया में दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, आधी जिनके वजह से कैंसर होता है और आधी जिनके वजह से कैंसर ठीक हो जाता है। ये भी हो सकता है कि गूगल पे आप कैंसर सर्च करें और आपको इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिले कि कैंसर जैसी कोई बीमारी होती नहीं है और ये फार्मा कंपनियों का छेड़ा हुआ एक शिगुफा है। तो पहला सबक अब आपको ध्यान में रखना है कि गूगल पे किसी भी खाने की चीज़ के साथ कैंसर लगा के सर्च नहीं करना है। हाँ, दिल लेफ्ट में होता है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको गूगल में नहीं करनी है वो है गूगल पे डॉक्टर बनना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको MBBS कर लेना चाहिए। होते हैं कि जब लोगों को ऐसा लगता है कि वो बीमार हैं तो वो अपने सिम्टम्स गूगल कर लेते हैं, और अब इसमें आती है एक समस्या। बात यह है कि आदमी की साइकी इस तरह की होती है कि वो गूगल पे जो बीमारी उसकी नज़र के सामने आती है उसे लगता है कि वो उसी से ग्रसित है और जाके वो उसी हिसाब से दवाइयाँ ले आता है। तो आदमी को ये लगता है कि उसने डॉक्टर को जो प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस देता वो बचा ली है। लेकिन दोस्तों, गूगल चाहे जितना समझदार हो जाए, आज भी वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सदी हुई सलाह की बराबरी नहीं कर पाया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बीमार फील हो तो आपको अपनी बीमारी गूगल नहीं करनी है, थोड़े पैसे खर्च करने हैं और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना है। तीसरी चीज़ जो आपको गूगल नहीं करनी है वो है बम बनाने का तरीका। दुनिया में ऐसा एक भी दिन नहीं निकलता है जिस दिन कोई आतंकी वारदात ना हो, और ऐसा देखा गया है कि इसमें से बहुत सारे लोग गूगल से अपने आइडियाज़ उठाते हैं। तो इसलिए हाउ टू डिरेल अ ट्रेन, हाउ टू बी अ लोन वुल्फ, हाउ टू मेक अ बॉम्ब, कभी गूगल मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कीवर्ड्स की लिस्ट पुलिस वालों के पास होती है और उनके पास बहुत बड़े बड़े फैंटम बैठे होते हैं। एक और चीज़ जो आपको गूगल नहीं करनी चाहिए वो है हाउ टू अबॉर्ट अ चाइल्ड। हम अपनी बात कहें, इससे पहले ये जान लीजिए कि शादी से पहले या बाद में सेक्स केयर कानूनी नहीं है, बशर्ते आप कंसेंट का जुगाड़ कर लें। और अगर सेक्स होगा तो ये हो सकता है कि अनप्लान प्रेगनेंसी भी हो। अगर आप या आपकी फ्रेंड अनप्लान प्रेगनेंसी से जूझ रही है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, वो आपकी मदद करेंगे। आपको कभी गूगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गूगल जो आपको तरीके बताएगा अबॉर्ट करने के, वो हानिकारक भी हो सकते हैं और जानलेवा। इस बात पे जोर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाउ टू अबॉर्ट अ चाइल्ड, ये कीवर्ड्स गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स में से हैं, और इन्हें लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सर्च करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अनप्लान प्रेगनेंसी के चलते किसी शर्म के शिकार हो जाते हैं और उस शर्म के बोझ के तले वो डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस शर्म से आगे निकलिए और डॉक्टर के पास जाइए। यार, बताना चाहिए कि कैमरा ऑन हो रखा है। भाई, बात ऐसी है कि पॉर्न देखना गलत नहीं है, लेकिन पॉर्न देखने में एक चीज़ बहुत गलत है और वो है चाइल्ड पॉर्न। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गूगल पे चाइल्ड पॉर्न करके सर्च करते हैं और उसके बाद जो वीडियोस अपीयर होते हैं वो देखते हैं। अब इसमें दिक्कत यह है कि ये सिर्फ मॉरली गलत नहीं है, ये लीगली भी गलत है। दुनिया भर के कानून ये कहते हैं कि चाइल्ड पॉर्न बनाना और देखना गैर कानूनी है। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं तो आपके IP को ट्रेस किया जा सकता है और आप तक पहुंच के आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। इससे बचें। अब हमारी आखिरी सलाह, GOOGLE, गूगल। गॉड से गूगल पे गूगल मत सर्च किया कीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग इंटरनेट चलाते हैं, और इन बहुत सारे लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं। अब इन सारे लोगों में कुछ ऐसे हैं जिनके साथ एक समस्या है। जो गूगल के ऊपर सबसे बड़ी खाली पट्टी दिखती है ना, ऊपर जहाँ पे URL लिखते हैं, लोग वहाँ जाके google.com सर्च करते हैं, फिर उन्हें गूगल का टैब दिखता है, सर्च टैब, वहाँ पे जाके वो अपनी क्वेरीज सर्च करते हैं। दोस्तों, गूगल्स की सेटिंग्स ऐसी हैं कि जहाँ पे आप URL डालते हैं वहीं पे आप अपनी सर्च क्वेरी डाल दें, गूगल तब भी रिजल्ट देगा। इसलिए गूगल पे गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों बहनों मित्रों, ये वो सारी चीज़ें हैं जो गूगल पे आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। हमें जो बताना था हमने बता दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। शुक्रिया।